हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक मौर्य डायनेस्टी के सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग अशोक महान के बाद के 3 राजाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि दशरथ, संप्रति और शालिशुक के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे इस YouTube चैनल को, और हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो आइए हम लोग अब जानते हैं राजा दशरथ के बारे में। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट दशरथ, संप्रति और शालिशुक। ये सम्राट अशोक के बाद के 3 राजाओं के नाम हैं। अशोक के बाद आए दशरथ। इनका राज रहा 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक, और उन्होंने अशोक से गद्दी ली थी। ही सक्सीडेड अशोका द ग्रेट। अशोक के वो ग्रैंड सन थे, क्योंकि अशोक के जो बेटे थे उनमें से कोई भी राजा नहीं बन पाया था। ग्रैंड सन जो थे वो अगले राजा बने, जिनका नाम था दशरथ। तो अशोक जो थे उनका ग्रैंड सन दशरथ नेक्स्ट राजा बने। ही हैड कंटिन्यूड द रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ अशोका। अशोका की तरह ही ये बहुत ही अहिंसक टाइप के व्यक्ति थे और बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने रिलीजियस और सोशल पॉलिसीज जो अशोक ने चलाई थी उसी को आगे कंटिन्यू किया। दशरथ मौर्य डायनेस्टी के वह आखिरी राजा थे जिन्होंने इम्पीरियल इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया था जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो इंस्क्रिप्शन यानी वो प्रतीक चिन्ह वगैरह जो बनाए जाते थे, जो रॉक एडिक्ट्स बनाए जाते थे, कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे डायरेक्टली राजा और प्रजा के बीच में कॉन्टैक्ट होता था। तो दशरथ वो आखिरी रूलर थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था। माना जाता है कि इनके पिता का नाम सुयस हास था। ये महेंद्र के बेटे नहीं थे बल्कि सुयस हास के बेटे थे। मौर्य डायनेस्टी इनके राज में डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। अब ये डिक्लाइन होना इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि अशोक के समय पर राज्य इतना बड़ा था कि उसे संभालने के लिए अशोक जैसा ही राजा चाहिए था। लेकिन दशरथ जो थे वो इस मामले में उतने ज़्यादा अशोक जैसे नहीं निकले और इतने बड़े राज्य को संभालना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। दशरथ जो 224 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई और उनके कजिन जो थे संप्रति वो अगले राजा बने, और संप्रति ने 224 से लेकर 215 ईसा पूर्व तक राज किया। वो उन्होंने दशरथ से गद्दी ली। माना जाता है कि अशोक के बेटे कुणाल, जिनकी आँखें नहीं थी, उनके बेटे थे संप्रति। और इसके बारे में एक कहानी भी कही जाती है कि अशोक ने कुणाल से वादा किया था, कुणाल खुद तो राजा नहीं बन पाए लेकिन कुणाल से उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि उनका बेटा ज़रूर राजा बनेगा, और जब संप्रति राजा बने तो ये उनका जो प्रॉमिस था, वादा था, वो पूरा हो गया। अशोक का वादा पूरा हो गया। दशरथ की डेथ के बाद संप्रति ने थ्रोन एक्वायर किया, इनहेरिट किया, और एज प्रोमिस्ड बाई अशोका टू कुणाल। तो इस प्रकार से संप्रति जो है वो 224 से 215 ईसा पूर्व तक राजा रहे। संप्रति को जैन अशोक भी कहा जाता है क्योंकि संप्रति ने बौद्ध धर्म की बजाय जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। संप्रति इज रिगार्डेड एज द जैन अशोका फॉर हिज पैट्रोनेज एंड एफर्ट्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में उन्होंने बहुत हद तक जैन धर्म का प्रचार किया। ऐसा भी माना जाता है, मोस्ट अकाउंट्स एम्फसाइज हिज कन्वर्जन एट द हैंड्स ऑफ द जैन मॉन्क सुहस्तिन। माना जाता है कि जैन गुरु थे सुहस्तिन, उन्होंने संप्रति को जैन धर्म में कन्वर्ट किया था। संप्रति के बाद आए शालिशुक, जिनका राज रहा 215 से लेकर 202 बीसी तक। इनको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, एक क्वारलसम इंसान थे, अनराइटस रूलर थे। ही इज ऑल्सो नोटेड एज बीइंग ऑफ राइटस वर्ड्स बट अनराइटस कंडक्ट। यानी ये बोलते सही थे लेकिन करते गलत थे, ऐसा माना जाता है शालिशुक को। शालिशुक के टाइम पर मौर्य साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया। इनके बारे में हिस्ट्री में बहुत ही
कम लिखा गया है, बहुत ही कम कहा गया है. हिज स्टोरी इज वेरी लेस फाउंड इन द हिस्ट्री. इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल समय नहीं गुजारा, बल्कि वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज करने में, जैन धर्म का प्रचार करने में ही लगे रहे, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी समय नहीं दिया, और इनके समय पर मौर्य साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया. तो ये कहानी थी दशरथ, संप्रति और शालिशुक की. अगले लेसन में हम लोग जानेंगे देववर्मन, शताधन्वन और बृहद्रथ के बारे में. यदि आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करिएगा. मुलाकात होगी आपसे पार्ट 5 में एक बार फिर से. नमस्कार.